मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फिसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-11-2356 पर कॉल करें या मिस कॉल दें 0112-2290-1701 पर। स्मोकिंग कॉसेस कैंसर, स्मोकिंग किल्स। धूम्रपान से कर्क रोग होता है, धूम्रपान जानलेवा है। कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ। मदिरा पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बी सेफ, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। सुरक्षित रहें, मदिरा पान करके गाड़ी ना चलाएं। ड्रग कंजम्पशन इज इंजूरियस टू हेल्थ। नशीले पदार्थों का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये फूल कितने के हैं? एक माला का 50 पैसा। 50 पैसे में इडली खाऊंगा तो पूरा दिन चलेगा। लेकिन इडली को सर पे नहीं लगा सकते ना। कितने में दोगी वो बताओ? 40 पैसे में दूंगी। अच्छा, एक माला 50 पैसे में दोगी क्या? नहीं, आपको चाहिए तो 30 पैसे में दूंगी। चाहिए क्या? चले गए ना, बहुत अच्छे से सूट बूट पहनकर कार में आते हैं और इडली खाने की बात कर रहे हैं। अमीर लोगों को इडली फूलों से भी ज्यादा कीमती है, खाने की चीज है ना। घमंडी लोग। चंद्रमंडल के अंदर से सूर्य की रेखा जो पार करके जा रही है उसे देखने का? सूर्य रेखा जैसा कुछ भी नहीं है। अरे तुम्हारी कुंडली में दिखेगी ही नहीं, समझी? ऐसी बकवास कुंडली है ना, मेरी कुंडली के मुताबिक दिखती है, समझे? यही तो मैं। देखो, तुम बेकार में मेरे मुंह से गालियां मत निकलवाओ। पहली बात, जो तुला राशि के मुताबिक शुक्र झांक कर देखने वाला है, केतु को उठाकर अगर गुरु की दिशा में उसको काट कर नहीं बिठाया गया तो तेरी बीवी बहुत जल्द मर सकती है। साले बकवास बंद कर। तेरी बीवी मारो। अरे मुझे मारो, अपनी बीवी को मारो। क्यों मार रहे मुझे? मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। छोड़ पीटो इसको। अरे वाह वाह, अरे छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। तुम लोगों को कितना बेवकूफ बनाता है। अरे उसे क्यों मारते हो भाई, बताओ तो। अरे मैंने कुंडली में जो भी देखा है उस सच बात को बोल रहा हूँ, और सच बोलने की वजह से आदमी मुझे मार रहा है। कुंडली देखने के नाम पे लोगों को पागल बनाता है। मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ।
भाड़ में गया तेरा सच। अरे कुंडली देखने के नाम पर मुझे अपनी बीवी को मारने की बात बोल रहा है तू? झूठ बोलता है तू? पता नहीं कहां से आ जाते यार। अरे तुम मुंह बंद करो अपना। तुम्हारे और हमारे बीच में सिर्फ एक ही फर्क है, तुम चोर नहीं हो। किस किस को कुंडली देखनी है? किस किस को कुंडली देखनी है? अरे आओ बैठो, कुंडली देखता हूँ मैं। मेरी बात सुनो, तुम्हारे भविष्य के बारे में भी मैं बता सकता हूँ। तुम्हारी शादी हो गई क्या, ये सारा डिटेल्स मुझे पहले ही बता देना। फिर बाद में अगर जो तुमने मेरी कुंडलियों में कमी निकाला तो समझ लेना तेरा नाम क्या है। मेरा नाम है चक्रबानी। चक्रबानी तुम्हारा काम क्या है? मेरा काम है कुंडली देखने का। तुम कहो तो तुम्हारी कुंडली देख सकता हूँ मैं। मैं जानता हूँ मेरा चेहरा चोर जैसा दिखता है। सही कहा, चेहरा मन को दर्शाता है और दिल अपने बाहर को दर्शाता है। तुम्हारा लक्षण बस ऐसा ही है। फिर भी हम दोनों के चेहरे में लक्षण एक ही हिसाब से कैसे आया? बाप रे, चोर कही के प्यारे। इधर आ, हाँ इधर। अरे अरे रुक रुक, हाँ ये काम बता दो, इधर आ, इधर आ। मैं कब से तुझे ही ढूंढ रहा था यहाँ पे। अगर हम दोनों एक हो जाए ना तो यहाँ पे बाकी जोशियों की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी। हम दोनों का आधा आधा तो मार खाएंगे, उसमें भी आधा आधा कर लेने का मंजूर है। चलो चलते। मेरा तोता कभी झूठ नहीं बोलता है। वो तो ठीक है, लेकिन वो सच भी नहीं बताता है। तोते को तो बोलना भी नहीं आता है ना। हाँ पैसे रखो, कौवे की तरह सच बोलती हूँ मैं बेटा। मेरे पास केवल 7 रुपए हैं, सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं है। चाय के लिए 1 रुपए रख लेता हूँ और बाकी 6 देता हूँ, चलेगा? 5 रुपए चलेगा। वैसे देखा जाए तो बहुत कुछ बोलना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए अभी वक्त नहीं है। बस एक बात बोलूंगी, तुम यहाँ से मत जाना। तुम्हारा अच्छा वक्त इस मंदिर के खुलने से शुरू होने वाला है। आ जाओ भाई आ जाओ, एक कचार एक कचार एक कचार। आ जाओ भाई आ जाओ, एक लगाओ चार ले जाओ। एक कचार एक कचार एक कचार, 4 का 8, 8 का 16। चलो आ जाओ, एक कचार 4 का 8, 8 का 16। चलो आ जाओ आ जाओ। आओ देखो, बाहर रखने वाली चीजें अंदर मैं लकड़ी रखता हूँ। आ जाओ भाई आ जाओ आ जाओ, 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8। आ जाओ भाई आ जाओ, हाँ 8 का 16। ये देखो ये कंपनी का हो गया। आ जाओ भाई आ जाओ। ए क्या तमाशा देख रहा है, चल निकल यहाँ से। अरे जब खेलना नहीं तो मैं बैठे क्यों, चलो निकलो यहाँ से। मेरे पास 2 रुपए हैं, क्या डबल मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। आप खेलिए, 1 का 4, 4 का 8, 8 का 16। 2 रुपए मैंने इडली और चाय पीने के लिए रखे थे। हाँ बिल्कुल मिलेगा ना भाई, आप खेलो तो एक बार। 1 का 4, 4 का 8 और 8 का 16 मिलेगा। आओ भाई आओ, अगर नहीं मिला तो मुझ पर इल्जाम नहीं लगाने का। रखो भाई रखो रखो भाई, कभी भी रख सकता है, कभी भी रख सकता है। अब फिर मैं जीत गया, ये पैसा कंपनी का हो गया। आ जाओ आ जाओ खेलो, 1 का 4, 4 का 8। अरे 2 रखने से 4 मिलेगा ना। मेरे पास नहीं है पैसा। पैसा नहीं है ना तो एक काम करो, तुम सीधा उस तालाब में जाओ, तुम वहाँ पे जाके पानी पी लेना और सीधा निकल जाना यहाँ से। हाँ आ जाओ भाई आ जाओ। इडली चाहिए? पक्का चाहिए? देखो वहाँ जो दिख रहा है ना वो चाय की दुकान, वहाँ जाओ और जितना मन करे पेट भर के खा लेना तुम। आ जाओ भाई आ जाओ। नाम क्या आपका? अरे मैं ऐसे सबके सामने नहीं बता सकता। बेटिंग कुमार। बेटिंग कुमार, मैं जाकर बोलूंगा। हाँ हाँ जाओ जाओ, साला मुझे ही पकड़ के गोल गोल घुमा रहा है। आ जाओ भाई आ जाओ आ जाओ, जाओ राजा जाओ। 5 और 3, 15। अच्छा ठीक है। ए सुन सुन सुन, उस पत्ते को लेकर बाहर फेंक दे। ₹1.40। हाँ एक पैकेट बीड़ी और एक माचिस दे दो। हे रुको जरा, इसे कितना देना है? हाँ 3.50। बेटिंग कुमार के खाते में लिख लो। हा? बेटिंग कुमार का खाता? हाँ। उस नाम का कोई खाता नहीं है हमारे पास। वो सब मैं नहीं जानता, उसके कहने पर ही मैं यहाँ पर खाने के लिए आया हूँ। उसके बाप की जायदाद नहीं है ये दुकान, इज्जत से पैसे देकर जाओ। बेटिंग कुमार बड़ा आया खाता रखने वाला। मेरा पूरा पैसा उसने ले लिया और बोला जितना चाहो उतना खा लो। अरे बाप रे, उस कमबख्त की वजह से मेरा जीना ही मुश्किल हो गया है। वो नालायक वहाँ बैठकर जो मनमानी दिखा रहा है ना, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। कुछ भी हो तो मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ने वाला हूँ। चलो अंदर चलो। अरे जाता हूँ। चल अंदर चल, अंदर चल, अंदर चल, अंदर चल। अरे गाड़ी चाहिए ना, अंदर चल, अंदर चल। अरे कहाँ ले जा रहे हो मुझे, छोड़ दो। अरे चल छोड़ दो मुझे। हाँ चल भाग। अरे वाह क्या बात है, शुरू हो गई तुम्हारी नौकरी। अरे रो क्यों रहे हो तुम बेचारा? वैसे भी तुम रो रहे हो ना, थोड़ा झुक कर रहो।
तुम्हारे आंसू का पानी उस आटे में गिरने मत दो, कम से कम नमक का तो फायदा होगा। पीसो पीसो, अच्छे से पीसो, नमक कम है। कल फूल नहीं खरीदा, मुझे माफ कर दो, मेरे पास चेंज नहीं था, 100 का नोट था, अभी 2 फूल दे दो, ये लो 50 पैसे। तो काफी है। वैसे ये जो फूल को रखने के लिए मेरे पास जगह भी नहीं है। कार में रख सकते हो, मंदिर में रख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। उसके लिए तो इतना ही फूल काफी है, बस ऐसे ही मैं दाम पूछा था। फूल खरीदे बिना गया था, वो सोचकर दुख हो रहा था मुझे, इसी कारण मैंने तुमसे पूछ लिया। जिनके पास कार है उन लोगों को 80 पैसे में क्या तकलीफ है? वो ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन 100 की गड्डी को लेकर किसी से छुट्टा मांगेंगे तो चिल्लर पैसे कौन देगा आजकल, इसीलिए बोला था। इतने सारे पैसे कहाँ से आए? वो मैं धंधा करके कमाता हूँ। ऐसा क्या धंधा करते हो? वो इलायची है ना, मैं वो इलायची लोडिंग का धंधा करता हूँ। ओह, बातों बातों में याद आया कि इलायची की 2 गाड़ियाँ भेजना है, मैं जाके आता हूँ। हाँ ठीक है, अपना ध्यान रखना। मैं अपनी बीवी की खातिर मैं आज मर जाऊंगा, मेरी लाश मिलने के बाद सब लोग जोर जोर से रोएंगे और मैं ऊपर से देखकर तुम लोगों के ऊपर हंसूंगा। अरे साहब जी रुकिए, रुक जाइए, छोड़ो। नहीं नहीं साहब जी, छोड़ो मुझे, मुझे मर जाने दो। सुनो सुनो, अब मुझे इस दुनिया में नहीं रहना, मैं बहुत बदनसीब हूँ, मैं महापापी हूँ। देखो ऐसा मत करो, उसकी वजह से ही मेरी बीवी है जो मुझे छोड़कर किसी और से प्यार करने लगी है, वो मुझे मर जाने दो। ऐसा हुआ क्या? मैंने बहुत सोचा, मैंने बहुत दिन तक सोचा, अब मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मैं अब इंसाफ करके ही रहूंगा। आज मेरा ये इंसाफ सुनने के लिए तुम तो हो जिसे मैं सारी बात बता सकता हूँ। चलो आज तुम मेरे घर चलोगे। देखा तुमने, ये मेरा खुद का घर है, सपनों का घर। ये है क्या? अरे तुम चिंता मत करो, आज हाँ आ जाओ मेरे साथ। सर पकड़ लिया, पीछे से पकड़ लिया। छोड़ो छोड़ो मुझे, अरे भाई छोड़ो मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुनो ये मेरा प्यारा सा डाइनिंग रूम है। डाइनिंग रूम नहीं, वो देखो वो है हमारे डाइनिंग रूम। नहीं हाँ हाँ, और ये है मेरा प्यारा बेडरूम, मेरा है, तुम चिंता मत करो आ जाओ। आओ। और ये देखो ये है मेरा बिस्तर।
और ये मेरी सुंदर पत्नी है और ये है मैं और मेरी बीवी अच्छे से चैन की नींद ले रहे हैं। हम उस तरफ के कमरे में जाकर रहेंगे। हाँ चलो और देखो ये है हमारा रूम। सर मत बोलो, तुम्हारा सगा भाई। आप सो जाइए सर। नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तुमने मेरी जान बचाई है, तुम मेरे जिगरी दोस्त हो, तुम मेरे सब कुछ हो। तुम कहीं मत जाओ, बस मेरे साथ रहो। मैं जाकर कल आता हूँ। अरे छोड़ो, जाओ। कल जब तुम यहाँ आओगे तब तक मैं जिंदा नहीं रहूंगा। तुम्हारे चले जाने के बाद मैं उस तालाब में कूद कर आत्महत्या कर लूंगा। जाओ। नहीं नहीं, रहने दो, मैं नीचे ही सो जाता हूँ। निकल जाओ। अरे नहीं नहीं, तो फिर मैं भी जमीन पर सोता हूँ। तो फिर मैं भी बिस्तर पर सो जाता हूँ। कहाँ जा रहे हो? हाँ आ जा। कौन है तू? उठ यहां से, चल निकल। सच बता, तू कौन है? जल्दी बता, कौन है तू? यहां कैसे आया तू? हैं? बोल, मैं पुलिस को बुलाऊंगा। चोर, चोर, अरे चोर। अरे मैं चोर नहीं हूँ, कल रात आदमी तो यहाँ पर ला करके सुलाया था मुझे। अरे किस स्कूल में पढ़ाया है तुझे? चल निकल जा यहाँ से, चल। पानी में डूब कर मरने जा रहे थे आप, मैंने बचाया था। इज्जत से जा रहे हो या वॉचमैन को बुलाकर धक्के मार कर भगवाओ यहाँ से? चलो निकलो। क्या है? चल, क्या चल, निकल, चल। ये कौन है? वही बात मैं भी पूछ रहा हूँ। कहता है मैं दारू के नशे में आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा था। आप कोशिश तो कर रहे थे ना? देखा देखा क्या बोल रहा है, या फिर मैं धक्के मार के बाहर निकालूं? वॉचमैन। नहीं नहीं, मैं चला जाऊंगा, लेकिन आगे से दारू के नशे में आप खुदकुशी करने जाओगे ना तो मैं आपको बचाने के लिए नहीं आऊंगा। वॉचमैन, इस आदमी को बाहर निकालो। अरे छोड़ो, चला छोड़ो मुझे। अरे जल्दी निकलो बाहर, छोड़ो। चलो, क्या कर रहे हो? चलो। अरे इंसान को पागल बना देते हैं ये लोग, जरा भी अकल नहीं है। सही बोला आपने। अरे छोड़ो मुझे, निकल। चल, कल रात को नशे में तालाब में डूब कर खुदकुशी करने की कोशिश कर रहा था, मैंने बचाया से और मुझ पर ये इल्जाम लगा रहा है। सिर्फ नाम की पुलिस है। जब अच्छा तुम हो क्या चक्रवाणी? मैंने तो सोचा कि आवाज मत निकालो, वो आदमी अंदर पूजा कर रहे हैं। कौन? चक्रवाणी। तो तुम नहीं हो क्या चक्रवाणी? अरे हाथ में बिना चक्र के मैं कैसे चक्रवाणी हो सकता हूँ? हाँ। वैसे मैं कौन हूँ और वो आदमी कौन है? उस आदमी के कदमों का पीछा करके उनके कदमों का आशीर्वाद लेने वाला एक साधारण इंसान हूँ। मान लिया, तुमने उस आदमी को साइड में कर दिया क्या? ना। वैसे एक बात कहूँ, मुझे उस आदमी से जरा मिलना था। अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। हाँ, वो ले लेंगे, मेडिकल स्टोर में रहेगा ना, अब पेंसिल अलाइनमेंट है ना। ये वो नहीं है, पहले मिलने के लिए अनुमति, अपॉइंटमेंट। तो फिर तुम मुझे खरीद कर दे दो ना। उस आदमी का प्राइवेट सेक्रेटरी अडीपल्ली है, भाई के लिए लेके दूंगा। वो कैसे? अपॉइंटमेंट अलाइनमेंट। ठीक है। कल सुबह 10 बजे। ठीक, तो फिर मैं जाकर कल सुबह 10 बजे आता हूँ, ठीक है? वैसे तुम्हारी ये सहायता किसी काम को बिगाड़ तो नहीं देगी ना? उसे आप सामने से देकर समझ लो, काफी है। ठीक है, मैं जाकर आता हूँ। ठीक है, सुनो, वैसे कल सुबह 10 बजे का अपॉइंटमेंट है ना? बहुत बड़े चोर हो तुम। जाओ जाओ। भाई भाई भाई, एक मछली ढूंढ कर लाया हूँ। क्या है? वो चाय वाला गोविंद नायर कल सुबह 10 बजे आएगा। तुम जा कर ना उस आदमी की सारी जानकारी लेकर सीधे मेरे पास आओ। तो फिर उस आदमी की मैं डायरी लेकर। अरे तू कैसा आदमी है, उस डायरी में तो सिर्फ दुकान के उधार लिखा होगा ना। अरे सब लोग डायरी लिखने के स्वभाव के थोड़ी होते बेवकूफ, जो नहीं लिखते उनको छोड़ दो। मेरा जो काम पहाड़ तोड़कर पानी निकालने जैसा है, कैसे मैं इस काम को करूंगा? अरे
बिना मेहनत के कुछ पा सकते हो क्या बरखरदार? 10 पैसा कमाने के बाद मैं भी अपना बॉडी बना लूंगा। अगर हम दोनों मिलकर एक हो गए, हम दोनों साथ मिलकर इन गांव वालों को धोखा देकर हम दोनों बहुत पैसा कमाएंगे। मेरी बात सुनो, तुम जाकर उसके बारे में सारी जानकारी लेकर आओ मेरे पास। उन सब जानकारी से हम लोग खूब पैसा कमाएंगे। बाकी का काम मैं देख लूंगा, संभाल लूंगा। यस, गुड नाइट, सिट डाउन। ओके, नहीं ये लो, पी लो। अरे पी लो, अब पी भी लो। आप संभाल लोगे ना? हाँ पी लो। अरे रे 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 रे, तू भी चोर है और मैं भी चोर हूं, ऐसे घूम फिर के मत आओ, सीधा आओ और सीधा जाओ। तो फिर मैं सीधा बोलता हूँ, उस गोविंद पिल्ले की बेटी की शादी कराने के लिए कुंडली लेकर प्रोफेसर चक्रबानी के पास आए थे। अरे अपना वही चक्रबानी, वैसे पार्टी हमारा आदमी है, इसलिए जरा डिटेल्स निकाल कर दो। अगर हमें डिटेल्स मिल गए तो हमारे मुंह में घी शक्कर, और वो घी शक्कर हमारे पेट में जाएगा। घी शक्कर को निकालने के लिए तोता चाहिए। क्या बात है, तू तो बड़ा होशियार हो गया, कमाल का आदमी है तू। अरे घुमा फिरा कर बात मत करो, क्या बात है? उसके लिए पहले मुझे 100 रुपए दो। 100 रुपए? अरे किसे चाहिए तेरे 100 रुपए, उल्टा तुझे मैं 100 रुपए देता हूँ। गोविंद के बारे में सब कुछ जानता हूँ, इसी से तो मैं पैसा कमाता हूँ। आओ भाई आओ। मंजूर है? मंजूर है, आओ चलो। अरे अरे दोस्त, रुको 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 रुको। मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। मैं कार से चलूं और तुम पैदल चलो, ये हो नहीं सकता। छोड़ो, अरे छोड़ो छोड़ो मुझे भाई, मुझे छोड़ दो। अब मैं नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें मेरे साथ मेरे घर चलना ही होगा। मुझसे बच कर निकलने की सोच रहे हो ना, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हमने यही सोचा ना कि हम फिर कभी नहीं मिलेंगे, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कल नशा उतर गया तो मुझे भगा दिए थे क्या? मैं नहीं नहीं नहीं, कुछ मत बोलो, हमारे बीच कोई दोस्ती नहीं। अरे अरे नहीं दोस्त, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। जो मेरा है वो सब तुम्हारा भी है, तुम मेरे साथ चलो। अगर मेरा इस दुनिया में कोई है तो वो सिर्फ तुम हो। तुम चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ चलो। नशा उतरने के बाद में तुम फिर बदल जाओगे। सच में? सच में ऐसा लगता है कि अब तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं रह गया। तुम्हें देने के लिए मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, बस ये कार है, इसे तुम ले। नहीं चाहिए मुझे। जिसने मेरी जिंदगी को बचाया उसको इतना शुक्रिया अदा नहीं कर पाया तो मुझे पाप लगेगा दोस्त। चलो मेरे लिए चलो, चलो जाओ, ले जाओ, मैं चलकर चले जाऊंगा। आज के बाद से ये गाड़ी तुम्हारी है। अरे नहीं चाहिए मुझे। मैंने गाड़ी तुम्हें गिफ्ट में दे दी, ले जाओ। अरे मुझे माफ कर दो, जा कर दो ना माफ। जाओ बैठो, ये कार तुम ले लो। जाओ तुम कार से जाओ, मैं पैदल जाता हूँ। हाँ जाओ। फूल वाली उतर जाओ, टोकरी में उठा लूंगा। क्या तुम्हारा घर यही है? तुमने जैसे बताया मैं वैसे ही आया हूँ। सीढ़ी में कोई झाड़ है क्या? है ना, तो फिर यही है मेरा घर। टोकरी मुझे दे दीजिए, मैं चलता हूँ। इलायची के व्यापारी घर नहीं आओगे? मेरा नाम इलायची व्यापारी नहीं है। मैं तो इतना ही जानती हूँ ना, आपने नाम नहीं बताया। मेरा नाम मोहनलाल है, अगर तुम चाहो तो मुझे मोहन बुला सकती हो। वैसे मेरा नाम फूल वाली नहीं है। मैं तो इतना ही जानता हूँ, तुमने कभी बताया ही नहीं। मेरा नाम शालिनी है और सब मुझे प्यार से चिक्कू बुलाते हैं। सिर्फ मेरे बड़े भाई गजरा फूल ऐसे बुलाते हैं, पिताजी भी ऐसे ही हैं। सब लोग मेरा नाम बिगाड़ते हैं। संभल के। अरे वैसे इस घर के अंदर आते ही हर कोने को मैं पहचान लेती हूँ। ये खम्बा दरवाजा सीढ़ी इन सब की आदत है मुझे। आओ बैठ जाओ। अच्छू कौन है? मेरा बड़ा भाई सबसे मारपीट करता है, मेरे पिताजी को भी मारा है, ऐसा पिताजी ने बोला। कहते हैं वो बहुत बड़ा गुंडा है। चीकू तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? मुझे माफ कर दो, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया था। कचहरी में गाना गाया करते थे, अचानक से मुंह से खून निकलने लगा और तभी
मोहन आप बैठिए, मैं अभी आती हूँ। लो ये पी लो। ये क्या है? थोड़ी सी लस्सी है। कार चलाते वक्त आपको गर्मी लगी होगी ना, वैसे बड़े अमीर लोग लस्सी पीते हैं क्या? अच्छी है, मीठी है, थोड़ी और मिल जाती तो अच्छा होता। अरे इतना ही है। चिकू ये वीणा तुम बजाती हो? पिताजी के साथ कचहरी जाती थी तब वीणा बजाती थी, अभी सिर्फ मेरे पास यही बची है। जो भी था उसे भाई ने दारू के लिए बेच दिया, वो सब छुड़ाने के लिए नहीं हुआ। वैसे इसे बजा नहीं सकते, दो तीन तार नहीं है इसमें, भाई को बोलो तो गाली देते हैं। तार खरीदने का पैसा मैं जमा करके रखी हूँ। तो फिर लस्सी इतनी है? मैं चलता हूँ, मैं इस कार को ले जाकर नहीं दिया तो मामला गंभीर हो जाएगा, चलता हूँ। सब अच्छा होगा, भगवान को दिल से याद कर लो। मैं देख लूंगा, चुप चुप। कल्याण हो, मंगल हो, शुभ हो, ये चक्रबाणी का वाक्य है। चाय की दुकान चला रहे हो ऐसा चक्रबाणी बोल रहे हैं? हाँ, सही बोल रहे। क्या तुम चाय की दुकान चलाते हो? हाँ देख लिया मैंने, ये प्रेम अभिषेक है, बार्बर है, तुम्हारी बेटी से जुड़ा है, चक्रबाणी का भाग्य है। आपकी बेटी किसी बराबर वाले के साथ प्यार का चक्कर चला रही है ऐसा चक्रबाणी बोल रहे हैं? चुप करना लायक कहीं के ऐसा, उसके मुंह के सामने गाली देकर दो लफा दूंगा, एक ख्वाहिश मेरे दिल में है, लेकिन वो जिम एक्सरसाइज कर रहा है, उस वजह से वो मुझे उठा उठा कर मार देगा। आपके पास कोई उपाय तो बताओ ना। नींबू टोटका, बिल्ली का टोटका दिख रहा है, ये चक्रबाणी का शब्द है। कोई तो टोटका घुमाकर आप पर छोड़े हैं, ऐसा चक्रबाणी बोल रहे हैं। ऐसा कौन टोटका घुमाया होगा? हम लोगों ने ही टोटका घुमाया है। अरे उसका पता करने के लिए हम यहाँ आकर बैठे। शरीर के ऊपर भी टोटका घुमाया है? हाँ। शादी को लेकर भी उसने काफी भयंकर टोटका किया है, लड़के को अकल थोड़ी ज्यादा है, हर जगह टोटका घुमा कर रखा है, हर जगह पे जादू करके रखा है, ओम रीम श्री शंकर बाबा की भी, ये चक्रबाणी के वाक्य है। अरे रिश्तेदार ही टोटका कर रखे हैं, अरे भाई के बीवी के बहन की शादी नहीं करवा सकते, ऐसा आपके बोलने की वजह से गुस्से में बेटी मालती और आपके ऊपर मुर्गी का सर काट कर टोटका कर रखे हैं, ऐसा आपके बारे में चक्रबाणी ज्योतिष बोल रहे हैं। अयो मां मर गया, कैसे धोखेबाज लोग हैं। मान गया आपको मैं, ये सिर्फ जलन के वजह से किया गया टोटका है, चक्रवाणी जी कितना ज्ञान हासिल करके बैठे हैं। वैसे एक बात पूछूं, इसका कुछ उपाय है तो बताइए ना। तांबे में रखा गया टोटका, अंदर का टोटका, बाहर का टोटका, सारे टोटके को उखाड़ फेंकूंगा, ये चक्रवाणी के वाक्य है। जो तांबे का टोटका है उसे निकाल कर फेंकना है, ऐसा चक्रवाणी भाई बोल रहे हैं। हाँ हाँ, अरे कुछ भी हो तो उसे निकाल के दिखाइए ना। अरे सारे टोटके एक साथ, वो भी नींबू टोटका, कांदा टोटका, बिल्ली टोटका, नारियल टोटका, सूर्य उदय के पहले करना होगा, ये चक्रबाणी के वाक्य है। सर सूर्य उदय होने से पहले टोटके को निकाल दिया जाएगा। ऐसा ही चक्रबाणी भाई बोल रहे हैं। बहुत खुशी की बात है, तो फिर मैं चलूंगा। उसको जाल में फंसाओ, ये चक्रबाणी के वाक्य है। अरे एडवांस देकर जाओ, ऐसा चक्रबाणी भाई बोल रहे हैं। अरे वो तो मैं भूल गया था, एडवांस लिए बिना ये चक्रबाणी कभी भी काम नहीं करता है, ये चक्रबाणी के वाक्य हैं। 50 रुपए नहीं चाहिए, 200 रुपए चाहिए, ऐसा चक्रबाणी भाई बोले। 50 में टोटका मुश्किल है, 100-200 में टोटका निकालना आसान है, किसी और को इस मामले में लाने का नहीं, ऐसा चक्रबाणी भाई बोले। अरे मैं कभी इस तरह का काम नहीं करता हूँ, इसमें 200 रुपए हैं, इससे काम चल जाएगा, पैसों में काम बन जाएगा। क्या टोटका है, पता नहीं कैसे निकालेंगे। सुना नहीं, ये चक्रबाणी के वाक्य है। तुम मोहन हो? हाँ।
आज कार नहीं लाए हो? कार लेकर आया हूँ, वहाँ उधर खड़ा किया है मैंने, यहाँ पर घुमाने में तकलीफ होती है। फूल खरीदने आए हो क्या? नहीं। तो फिर क्यों, ऐसे नहीं आ सकता क्या, बताओ मुझे? आ सकते हो ना, मेरी एक मदद करोगे? वीना के तार खरीदने के जो पैसे जमा किए हैं वो मैं लेकर आई हूँ, लो इस गुल्लक में है। मैं दुकान नहीं जानती हूँ ना। इसमें क्या है, मैं खरीद कर देता हूँ ना। किसी और से नहीं बोल सकती इसलिए तुमसे बोल रही हूँ। व्यापार करने के बाद तुम्हें वक्त मिलेगा क्या? पैसा चिक्कू तुम रख लो, शाम को घर आते वक्त तार ले आऊंगा। हम अमीर लोगों को दो तार खरीदने के लिए सोचना नहीं पड़ता है, केवल दो इलायची का दाम है वो। वैसे मैं तार लेकर आऊंगा तो चिक्कू तुम मुझे क्या दोगी? लस्सी दूंगी। केवल लस्सी, उसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा? और क्या चाहिए? वीणा में तार जोड़ने के बाद मेरे लिए एक गाना गाओगी? अरे बाप रे, चलता हूँ, इलायची का लोड आया होगा, शाम को मिलता हूँ। ज्योतिष ज्योतिष, किसी को अपनी कुंडली दिखानी है क्या? कुंडली दिखानी है क्या? ज्योतिष, हाथ की रेखा, हाथ की रेखा। देखो चक्रभानी बाई के आने के बाद तुम्हारे खाने के लाले पड़ गए ना कौवे। अरे तुम्हें तो कोई तकलीफ नहीं है ना, मैं बर्दाश्त कर लूं। मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ है, समझे? देखो पुरानी बीड़ी को मैंने छोड़ दिया है। बड़ी आई ज्योतिष देखने वाली। अरे तोते को तो कम से कम तकलीफ दिए बिना छोड़ दो, नहीं तो इस काम को एक दिन मैं करूँगा। बड़ी आई कुंडली देखने वाली। अरे चल, उस दिन मैं तुझे पकड़ कर इसके अंदर कर दूंगी। अरे तुम्हें उसके लिए एक और जन्म लेना पड़ेगा। अरे चुप, अगर एक बाप की औलाद है तो इसे खोल कर दिखा, इसी के अंदर तुझे बंद करके मैं पत्ता काटूंगी। काटेगी काटेगी, हम देखते हैं काटेगी। तुम इस एडीपल्ली के बड़े बुजुर्ग के साथ लड़ रही हो, याद रखना। अपने बाप को जाकर सुना एडापल्ली गांव के, जब तेरा बाप था यहाँ तब मैं भी थी यहाँ, और तू कल का लौंडा है यहाँ पर। चल निकल अब, भाग जा, काम पर ध्यान दे अपने जाके, निकल। तुम्हारे कुंडली देखने के तरीके को मैं भी पता लगाऊंगी। अरे हे भगवान, मेरा तोता। अरे मेरे तोते को खोल कर उड़ा दिया। होते कौन हो तुम मेरे तोते को खोल कर उड़ाने वाले? हाँ कौन हो तुम? अरे बाप रे, तोता निकल गया भगवान, अब किसको लेकर मैं पत्ता काटूंगी? हा? मैं निकालता हूँ। कौवा दीदी आप गुस्सा मत करो। हे भगवान, तोता भाग गया, मैंने दो दिन से कुछ नहीं खाया है। जो पैसा तुम तोते को देती हो वो पैसा मुझे दे दो, मैं यही बैठ कर तुम्हारे पत्ते निकालता रहूंगा। तुम्हें रख के मैं पत्ता निकालू? कौवा दीदी आप बोली थी ना उस एडापल्ली को, अगर तुमने तोता निकाल दिया तो मैं तुमसे पत्ते निकलवाऊंगी। मैंने सुना ना, तोता हो या एडापल्ली आपको पगार तो देना ही होगा ना, वो पैसा मुझे दे दो, मैं रह जाऊंगा। अबे बेवकूफ। क्या हुआ? मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। तुम्हें भूख लग रही है ना? बहुत भूख लगी है क्या? चलो थोड़ा सब्जी दो ना। तुम्हारा घर कहाँ है? बहुत दूर है, कोहिकूट के बाद फालोसेरी नाम का गांव है। घर में कौन कौन है? कोई भी नहीं, पिताजी थे लेकिन मर गए, मंदिर के पुजारी थे। बालूचेरी गांव में मनी पंडित बोलने से वहां के सब लोग जानते हैं, ऐसा पिताजी बोलते थे, लेकिन केवल नाम है। जब पिताजी मरे थे तब मुझे केवल एक कंगन ही मिला, मंदिर में जब पूजा कर रहे थे तो किसी बड़े आदमी ने दिया था, भूख के कारण मर गए थे। जब मेरे पिताजी मरे थे, जमीन जायदाद तो नहीं थी लेकिन मेरे पिताजी बहुत बड़े आदमी थे। वो कैसे? उनके मरने पर बहुत भीड़ थी, इसलिए क्योंकि बड़े लोगों के मरने पर ही इतनी भीड़ जमा होती है। बस हो गया। हाँ। हाँ? तो फिर मैं पत्ता निकालने चलूं? नहीं नहीं, मैं दूसरा तोता खरीद लूंगी। जब तुम्हें भूख लगेगी तब मुझे बोल देना, ठीक है? जाओ हाथ धो लो। कौवा दीदी, हैं? वीणा के दो तार का कितना पैसा है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या?
चलो। हाँ एकदम 200 रुपए दूंगा। मेरे पिताजी की अंगूठी है। अरे किसी की भी हो मैं सिर्फ 200 रुपए दूंगा। ये बड़े साधु महात्मा ने दिया है। 200 रुपए चाहिए तो बोलो नहीं तो इसे लेकर जाओ। लो मेरे पिताजी की आखिरी निशानी ये एक ही चीज है। 250 रुपए दो ना। बोला ना नहीं होगा। समझ में नहीं आता तो फिर वीणा का दो तार खरीदने के लिए पैसा दोगे ना। अरे तेरा और मेरा ऐसा क्या खास रिश्ता है? आपस में पहचान रहना जरूरी है क्या? आजकल तो हर कोई रिश्तेदार बन जाता है। तो फिर एक दाम 200 रुपए दे दो। हाँ इसे मत लेकर जाओ भाई। यहाँ पे और भी चीजें हैं आप उन्हें ले जाओ लेकिन इसे मत ले जाओ। तुम लोगों के दूसरा काम नहीं है क्या? वो जो बुड्ढा बैठ रहा है उसने नाच गाने के अलावा यहाँ पे क्या कमा रखा है? पिताजी तो मेरे लिए। आवाज मत करो। उस पिता का नाम भी मतलब मेरे सामने। बड़ा नाच गाना संगीत कराने के है ये भाई। क्यों रही हो तुम? अच्छे भाई। हा? नालायक कहे कि ऐसा बुलाया ना। कोई बात नहीं हाथ दो। मैं बोल रहा हूँ ना हाथ बढ़ाओ। देखो नहीं तो मैं कभी नहीं आऊंगा फिर। हाथ लाओ। मुझे ये नहीं चाहिए। वीणा का तार तो मिल गया ना अब तो हंसो। इसे लेकर गाना गाना पड़ेगा। आज नहीं गाओगे तो चलेगा किसी और दिन गा देना। वीणा को बड़े भाई बेचने के लिए लेकर गए हैं। ₹142 में कोई वीणा मिलेगा क्या? अरे इधर नहीं इधर नहीं। उधर 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 उधर। इधर खोदो इधर खोदो इधर इधर। हाँ खोदो खोदो ना खोदो खोदो। खोदो अरे वक्त बर्बाद कर रहा है। खोदो मतलब खोदो। जल्दी 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 खोदो। किसी को पता चले बिना तुम खोद कर छुपा के रखे हो। जानते नहीं हो ये बुरी आदत है। ए देवी माँ भद्रकाली माँ दुर्गा माँ हे शंकर भवा। शिव शिव ये काला जादू है तुझे जाने नहीं दूंगा छोड़ूंगा नहीं तुझे अपने साथ लेकर जाऊंगा। रोक कहाँ जाता है रोक रोक कहाँ जाता है रोक रोक। आज मैं तुझे अपने साथ लेकर ही जाऊंगा चाहे जो जाए। पानी लाओ।
खोदो यहाँ पे, खोदो, खोदो। इधर का काम खत्म हो गया, काम खत्म करके किसी और के काम पर ध्यान देंगे। देखा ना, अगली बार पाप करने के पहले तू दो बार सोचेगा। इसे नीचे रखो, यहाँ 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 नीचे रख दो इसे। मुझे तो श्री को देखना है। यहाँ का काम हो गया, अब कट लेते हैं। आहा, ओह। चीकू, जब तुम देखने लगोगी ना तो सबसे पहले किसे देखना चाहोगी? मैं क्या बोलू? पहले बड़े भाई को नहीं देखोगी? तो फिर सिनेमा? तो क्या सिनेमा देखोगी? मुझे क्या? मुझे तो मोहन को देखना है। सर। यस, कम इन। क्या बात है? आंख दिखाना है। ओ, चलो इसे पढ़ो। ए, ये एम, इधर एम। अरे मुझे नहीं। तो फिर इस लड़की को तो पहले बोलना चाहिए ना। चलो बैठाओ इसे यहाँ पे। किस आंख में कमी है? दोनों आंखों में ही सर। ओहो, चलो ये पढ़ो। ए? हाँ, और ये नहीं, एम। और ये वाई 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 वाई। तुमसे पूछा क्या? इसे दिखाई नहीं देता ना। अच्छा, बिल्कुल नहीं दिखाई देता। हाँ। तो फिर इसे देखो। सर, दोनों आंखों से नहीं दिखाई देता है। क्या कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें? थोड़ा बहुत भी? तुम दूर रहो, मैं लड़की से पूछ रहा हूँ। नहीं दिखता, अंधेरा ही दिखता है। वेरी गुड। वैसे थोड़ा खर्च होगा। इस बीमारी का नाम है, तुम्हें बताने पर क्या समझ में आएगा? नहीं ना, इस बीमारी को दूर करने के लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा पैसा खर्चा तो होगा। 10-20 रुपए होगा क्या? अरे 10-20 रुपए नहीं, 2000 तक लगेंगे। 2000 रुपए में तो कुछ भी खरीद सकते हैं। हाँ, खरीद तो सकते हो, पर आंख ऐसी रहेगी। सर, कम होगा क्या? क्या पैसा? ये कोई सब्जी बेचने की दुकान है? 2000 रुपयों में एक पैसा भी कम नहीं होगा। जब हाथ में पैसा होगा तब लड़की को लेकर यहाँ आना, वरना मत आना। चलो जाओ, सुबह सुबह आ जाते हैं। जान, अरे मुंडी क्या देख रहे हो? पैसा नहीं है तो निकलो यहाँ से। सुबह सुबह आ जाते हैं, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। बिना पैसे के ही आ जाते हैं कुंडली दिखाने। ये कौन आया?
आज तुम्हारे हाथों से पूरा पैसा ले लूंगा मैं। तुम? अरे ये क्या रख रहे हो, 5 पैसा? एक काम करो, सीधा जाकर एक शहद की मिठाई ले आओ। हाँ मेरे पास 50 रुपए हैं। 50 रुपए से 100 करे क्या? खेलना हो तो बोलो। अरे ये कहाँ से चुरा लाए तुम? मिठाई खाना है ना, कुछ भी हो लेकिन तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। हाँ ये हुई ना बात। चलो अरे अरे ठीक जगह पर लगाओ ना। हाँ अरे बाप रे, सच्चा नहीं हो सकता। चोरो तुम, पहले चोरो तुम, मेरा पैसा वापस करो, ये 50 रुपए कंपनी के हैं। हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो मेरा, हाथ छोड़ दे मेरा। खेल खेलने के बाद चोर बोल रहे हो, किसी और को जाकर सुनाओ तुम्हारी कहानी। मेरा पैसा देने के लिए बोल रहा हूँ। पसीना बहा कर कमाता हूँ मैं, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम्हें मार के पैसा लिया मैंने। आओ मुझे मेरे पैसे दो। अरे अब इतने मत बोल, मुझे पकड़ मत, दर्द होता है। ये ले, मुझे मेरे पैसे दो, दे दो। ये ले। अरे क्या कर रहे हो तुम, मेहनत से कमाए हैं। अरे 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 क्या कर रहे हो तुम लोग, छोड़ो छोड़ो, झगड़ा मत करो, छोड़ो। अरे मारो मत, छोड़ो, दूर हो जाओ, क्या कर रहे हो दोनों। अरे हटो, निकलो तुम यहाँ से। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, आज मैं तुझे मार दूंगा। इसने गलत खेल खेल कर धोखे से मेरे पैसे छीन लिए, मैंने ऑपरेशन के लिए रखे थे पैसे। पुलिस तेरी रिश्तेदार है क्या, मुझे मारकर धमका। दोनों तुम दोनों आखिर झगड़ा कर क्यों रहे हो? अरे रुको सुनो, जरा शांत हो जाओ, तुम उड़ो मत, पैसा कमाने का रास्ता मैं बता। अरे वो गुंडा अच्छू, वो आकर इसे 2 लाफा मारेगा तो तुम्हारा पैसा तुम्हारे पास होगा। अच्छू को बुला के तुझे अच्छी पिटाई करवाता हूँ मैं। अरे झगड़ा मत करो, छोड़ो छोड़ो, तुझे तो मैं मार के रखूंगा, सुधर जाओ अब तो। जब अच्छू का मन करेगा तो ही अच्छू पैसे देगा, लेकिन जबरदस्ती से कोई मांगेगा तो अच्छू नहीं देगा। अच्छू के खिलाफ कोई भी आवाज उठाएगा तो अच्छू से मारेगा। अच्छू के मारने से तुम मर जाओगे, समझ में आया क्या? दारू पीकर मनमानी दिखा रहा है, ये कैसा व्यापार है? अच्छू नाम का यहाँ पर कोई है क्या? कौन है वो? क्या है? मारना है अच्छू को, मारना है अच्छू को लेकर किसी और को मारना है। जरूर कुछ चाहिए? हाँ जरूर चाहिए। तो फिर ये ले। काफी दिन से हाथ नहीं साफ किए, अब मुझे क्यों मार रहे हो? मुझे अच्छू से मिलना है। ठीक है, ये खड़ा तेरा बाप। आप ही अच्छू हो क्या? तो फिर आप मेरा एक काम कर दो। सुनो मुझे दर्द हो रहा है, कुमार ने मेरे पैसे छीन लिए, मुझे लेकर दोगे क्या? मुझे तू कहकर बुला रहा है, तेरी इतनी हिम्मत तुझे तो मैं। मुझे गुस्सा आ जाएगा, सुनो मुझे गुस्सा आ जाएगा। अरे खून निकल रहा है बेटा, रो मत ना। तुम्हें दारू चाहिए क्या? क्या हुआ, कुछ चाहिए तुम्हें? तेरे बाप को भी पिलाऊंगा मैं, चल सीधे से निकल। नहीं नहीं चाहिए मुझे, तुझे मैं दे करूंगा। नहीं तुझे तो मैं भी दारू पिलाऊंगा, रुक। ये ले पी, पी ये दारू, तेरा खून पी जाऊंगा मैं, ऐसे पीना तुम्हारे हार्ट भी पापड़ बन जाए। ये ले, चल हट यहां से।
बेटा मैं पहले ही बोल रहा था दीदी, वो मुझे ही मारने लगा, काम का मुझसे लड़ रहे थे, मैंने भी अरे कोई बात नहीं, तुम आ जाओ, आओ आओ, चलो मैं तुम्हारे लिए इडली लाती हूँ, आओ। कुछ भी बोलो, तुम जैसे दिखते हो वैसे बिल्कुल नहीं हो। देखो उस अच्छू को मार के कैसे पापड़ बना दिया तुमने। मुझे मारा ना, कितनी बार कहा मैंने मुझे मत मारो, इतना कुछ हुआ लेकिन फिर भी पैसे तो नहीं मिले ना। किस लिए चाहिए वो पैसा अभी तुझे हैं? भूख लगने पे मैं तुझे खाना खिलाती हूँ। ऐसी बात नहीं कहवा दीदी, मैंने ऑपरेशन के लिए रखे थे उस पैसे। ऑपरेशन तुम्हारा? तो फिर नहीं, किसी और के लिए। वो कौन है, कोई लड़की है? दीदी किसी से बोलोगी तो नहीं? मैं किसी से नहीं बोलूंगी। बोल दोगी? बताओ ना। बोलोगी तो नहीं? हाँ नहीं बोलूंगी। फूल वाली लड़की उसी की आंखों के ऑपरेशन के लिए। बदमाश कहीं के? चिकू बेचारी मासूम है ना कौवा दीदी। अरे बाप रे, तुम्हारे दिल में ये सब चल रहा है। कुछ भी हो तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है, सब ठीक होगा। लेकिन कौवा दीदी मैं इतने पैसे कहाँ से इकट्ठा करूँ? 2,000 रुपए चाहिए इसके लिए। एक डॉक्टर बोल रहा है अगर मैंने 2,000 रुपए भर दिए तो उसकी आंखें पूरी तरह से सही हो जाएंगी। उसे छोड़ो, तुम कौन सा काम जानते हो? मैं थोड़े दिन के लिए टैक्सी का क्लीनर था और वहीं पर हा? ड्राइविंग भी सीखी। अच्छा, फिर आईने की दुकान में आईने के बारे में भी पता। और क्या जानता हूँ ऐसा पूछने से तो मैं फिर कुछ भी नहीं जानता। क्या खाओगी तुम? मोहन तुम जो भी खिलाओगे मैं वो खाऊंगी। हाँ। एक मसाला डोसा और 2 कॉफी का कितना होगा? एक मसाला डोसा और 1 कॉफी 50 रुपया। तो 1 मसाला डोसा और 1 कॉफी, बिल के सहित सामान इस टेबल पर लाना, ठीक है? क्या चाहिए सर? 2 मसाला डोसा और 2 कॉफी। कुछ और चाहिए मैडम? नहीं। हाँ जल्दी लेकर आओ। उस वेटर की और मोहन की आवाज एक जैसी क्यों लग रही है? वो क्या है ना, मैं कार वर्कशॉप में ही छोड़ दिया है, नहीं तो हम दोनों कार में ही आते। मोहन क्या बात है, तुम कुछ नहीं बोल रहे हो? वो इलायची के धंधे के बारे में सोच रहा था, आज 5 लोड भेजना है ना। ये लो। खाओ खाओ। मसाला डोसा तीखा लग रहा है क्या? इतना भी तीखा नहीं है। तो फिर मेरे डोसे में हो सकता है। बाप रे, कॉफी बहुत गर्म है। और एक मसाला डोसा बोलूं क्या? नहीं। ला 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 ला
बात नहीं, देखो उस दिन तुम मुझे छोड़कर चले गए ना। अब मैं आ गया हूँ ना सर। हा? आगे से मत जाना, तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ऐसी कसम खाओ, कसम खाओ। कसम खाता हूँ सर, आगे से नहीं जाऊंगा। लेकिन मुझे 2000 रुपए चाहिए। अरे सिर्फ 5000 क्यों, मेरे पास पूरे 50000 है।
आओ मेरे घर चलो, चलो तुम मेरे घर चलोगे, आओ चलो मेरे साथ चलो। जिसने मेरी जान बचाई उसको सिर्फ 5,000 रुपए चाहिए, नहीं चलो मेरे साथ चलो। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, इसे तुम अपना ही घर समझना, कोई परेशानी नहीं होगी। तुम्हें जितने भी पैसे की जरूरत होगी मैं तुम्हें ला कर दूंगा। अरे इधर तुम बस मेरे पास ही रहो, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। रुको मैं लेकर आता हूँ, रुको मैं लाता हूँ। ये पूरा तुम्हारा है, इसे अपने पास रखो। इस मदद के लिए कैसे शुक्रिया अदा करूं समझ में नहीं आता। अरे शुक्रिया अदा किस बात का, रात में पैसे लेकर जा रहा हूँ, संभल कर जाना, इसे भी अपने पास रखो। रास्ते में कोई चोरी करने आए तो उड़ा देना उसे। फिर भी मैं मेहनत करके इस पैसे को जरूर वापस करूंगा। अरे मुझे नहीं चाहिए, तुम बिंदास जाओ। अगर इस पैसे को वापस नहीं कर सका तो इस बंदूक से खुद को गोली मार लूंगा मैं। अरे बाप रे, तुम सिर्फ पैसे लेकर जाओ, इस बंदूक को मुझे दे दो, तुम आराम से पैसे लेकर जाओ, जाओ अब जाओ, यहाँ सब कुछ तुम्हारा ही है, जाओ। अरे अरे चोर, ये चोर, 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 छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, चोर, अरे छोड़ो, चोर, चोर, अरे मेरे पैसे। सर, अरे बाप रे, अरे चोर, चोर, कोई तो इधर आओ, जल्दी भाग कर आओ। गोपाल, अरे बाप रे, वो जा रहा है, अरे जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी। सुनिए, चिकू, 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 कौन है? मैं हूँ मोहन। क्या बात है मोहन इतनी रात को? ये डॉक्टर को जो देना है 2,000 रुपए, मुझे एक काम से जाना है, ठीक है? 4-5 दिन के बाद मैं आऊंगा। चीकू इस पैसे को लेकर डॉक्टर के पास जाना। मोहन मैं अकेले। और कुछ मत बोलो, जैसा मैं बोलता हूँ वैसा करो, मैं जाता हूँ। क्या मैंने पैसे दिया? ऐसा ही ये बोल रहा है। मैं तुम्हें पैसा क्यों देने लगा भला? तुम मेरे लगते क्या हो, रिश्तेदार हो? तुम्हारा जीजा लगता हूँ या साला लगता हूँ, या फिर यहाँ मैंने एक धर्मशाला खोल के रखा है? अरे इसने पहले भी यहाँ पर आकर हमें धोखा देने की कोशिश की, रोका तो भाग गया। हाँ। अरे तुम लोग झूठ मत बोलो, तुमने मुझे 2,000 रुपए दिए थे ना? सर ये दारू पीने के बाद जो बोलता है, नशा उतरने के बाद वो भूल जाता है। तुम्हारा बाप होगा नशा करने वाला। खींचा तो मार डालूंगा। खींचो इसे। देखो 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 देखो, इसी तरह से इसने रात को मेरे घर में घुसा और मेरे सर पर मारकर पैसा लेकर भाग गया। अरे मैंने नहीं मारा, उन लोगों ने मारा है। तो फिर तेरे साथ और भी लोग थे है ना? वो लोग अलग से आए थे, वही लोग चोर हैं। इसने चोर को पहले से बुला के रखा था। मैंने किसी चोर को नहीं बुलाया था। सर ये आदमी झूठ बोल रहा है, हे भगवान इसके सर पर बिजली गिराओ। तो फिर पैसा कहाँ है? पैसा, पैसा कहाँ है? पैसा खो गया है। हाँ मैं बेवकूफ समझाए क्या? मेहनत करके कमाए हुए पैसे को इतनी आसानी से खो दोगे क्या? हमें पागल मत बनाओ। तुम इज्जत से पैसे कहाँ रखे हो, ये बोलने वाले हो या नहीं? मैं नहीं बोलूंगा। ये चोर है, इसका तो पता चल गया हमें, पहले बोला पैसा दिया है। हाँ। अब बोल रहा है पैसा खो गया। जब मैंने पूछा तो बोला पैसे के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। तुम नहीं बोलोगे है ना? मैं नहीं बोलूंगा। तेरे से मैं उगलवाता हूँ, चल।
कौन हो, कहाँ से हो? प्रोफेसर चक्रवाणी। अच्छा, वो जो भूत और वर्तमान बताते हैं, रहते तो यही हैं। लेकिन 4 days नहीं, 3 दिन के बाद आ जाएंगे। मुझे एक खास बात को लेकर चर्चा करने का। अरे सर, बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन अभी यहाँ नहीं है, एक खास काम के पीछे लगे हुए हैं। नाम और पता दे दीजिए, प्रोफेसर आएंगे तो मैं खबर दे दूंगा। अरे यही तो प्रोफेसर है ना? वो लेक्चरर है। वो प्रोफेसर है? नहीं, मैं उनको पहले देख चुका हूँ। जो आंखों से दिखाई देता है वो पूरा सच होता है, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। आंखों देखी चीज कभी कभी झूठी हो जाती है। पंचभूतों, पंच यंत्र सब एक साथ मिलकर, आपस में मिलन होकर, परछाई को देखकर सच है ये, ऐसा कल्पनाएं भी हो सकती हैं। कृपा करके कम से कम अभी तो प्रोफेसर से मुझे मिलवा दो, वो प्रोफेसर ये मैं जानता हूँ। देखिए, आप चाहे कितना भी बोल लें, लेकिन आपकी समझ में ना आने जैसे हजारों सैकड़ों विषय हैं इस दुनिया में, समझे? तो फिर मैं समझ लेता हूं, जिसको आप देख रहे हैं वो साक्षात प्रोफेसर हैं, लेकिन आत्मा के रूप से शरीर के अंदर रहने वाली परछाई है, ऐसा समझो। आप प्रोफेसर का पार्थिव शरीर देखे थे, उस आदमी की आत्मा काशी या पुण्य स्थल या कैलाश में हो सकती है। आत्मा वहां से यहां पहुंचने के लिए 3 दिन लगेगा, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं। हाँ, इसलिए 3 दिन बाद आ जाओ। कैपी शकुनी पिलाई, कॉन्ट्रैक्टर PWD। ठीक है, हिम्मत से जाइए, सब कल्याण हो, सब मंगल हो, ऐसा हिम्मत से आइए। KP शकुनी पिल्लई, कॉन्ट्रैक्टर सावनी का गांव। अरे बाप रे गुरु, मिल गई मछली। डॉक्टर मोहन कब आएगा? वो अभी तक क्यों नहीं आया है? बोलो ना डॉक्टर। ए रुको, जैसा बोला था वैसा ही करना। शकुनी पिल्ले की सारी जानकारी लाकर मुझे देना, बाकी का काम मैं संभाल लूंगा। सुन लिया? हाँ। कहाँ चला गया? नहीं दिख नहीं रहा है। अरे भाई, यहाँ पर रहने वाले शकुनी पिल्ले के बारे में कुछ जानते हो क्या? जानता हूँ ना, मुझे उस आदमी के बारे में कुछ डिटेल्स चाहिए। क्या जानना चाहते हो?
थैंक गॉड बेटी, आगे से तुम्हारी आंखों के लिए कोई परेशानी नहीं होगी। विश यू ऑल द बेस्ट। दो दिन यहाँ ऑब्जर्वेशन में रहने दो, मेरे बोलने के बाद डिस्चार्ज कर देना। ठीक है सर, मैं चलता हूँ। तुम आओगे मैं जानती थी। मुझे आने में जरा देर हो गई। आपका नाम क्या है? नाम मुझे राम कहकर बुलाओ, मैं सुन लूंगा। कोई और भी नाम है क्या? किसने बोला है क्या? पूरा नाम है रामकृष्णन पिल्लई, पिताजी ने इस नाम को रखा है दादाजी की याद के लिए। अब देखो तुम मुझे राम या रामकृष्णन या डॉक्टर बुला सकती हो। कोई और मुझसे यहाँ मिलने आया था क्या? हाँ, एक अच्छू नाम का आदमी आया था, वो तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। तो फिर मैं कल आता हूँ। अब तुम्हारी आंखें ठीक हो गई, तुम सब कुछ देख सकती हो, अभी तुम आराम करो। उसे राउंड के लिए समय हो रहा है, मैं जाकर आता हूँ। मोहन क्यों नहीं आया? मोहन नहीं आया है ऐसा पता होता तो मैं पट्टी कभी नहीं खुलवाती। धोखा दिया है मुझे, अब आओगे तो बात ही नहीं करूंगी। कब शकुनी मालिक आपकी शादी हुई? सन 1969, तारीख 13 फरवरी की है। पहला जो बच्चा हुआ? अरे 2 ही महीने हुआ। तुम्हारे बच्चे नहीं, शकुनी मालिक के। सन 1969 में 14 तारीख को मूल नक्षत्र में हुआ। मूल नक्षत्र में। बच्चे का नाम? विक्रांत। विक्रांत भाड़ में गया? विकास। विकास विकास। एक बात भूल देता हूँ मैं, कितना कुछ त्याग और मेहनत करके मैं शकुनी मालिक की डायरी को चुरा कर लाया हूँ। वो आदमी अभी आएगा, मैंने तुमसे बोला था ना इसके अंदर जो भी है उसे अच्छे से पढ़ के याद करो। थोड़ी देर पढ़ के सो गया। अरे था मैं। जिस काम को करते हो उसमें जरा ईमानदारी होनी चाहिए। बोलो क्या नाम है बच्चे का? विक्रांत। विक्रांत शह, अरे उस कंबक ने कैसा मुश्किल नाम रखा हुआ, वो कोई कैसे बोल पाएगा? विकास। विकास। अब अगला सवाल पूछो। पहली बार जो किया है वो धंधा? सीमेंट और सरिया का धंधा। उसके बाद उसके जीवन में तरक्की ही तरक्की हो रही है। ऐसे कदम पर कदम एक साथ आगे मत बढ़ो, एक एक करके बढ़ो। वो मैं बोलता हूँ, याद रखना। अब देखो, जिंदगी के हर कदम पर मेहनत करके आगे बढ़ा है ऐसा शकुनी ने लिखा है। वो आदमी आते वक्त हमें जो मिलने वाला लक्ष्मी देवी के दर्शन को अपने पैर से ठोकर मारकर गिराया तो मेरा रवैया बदल जाएगा। हे भाग, शकुनी मालिक आ रहा है। अरे ध्यान रखना, मुझे शर्मिंदा मत करना। नहीं करूंगा यार, नहीं करूंगा। सब संभाल लेना। हाँ, कौन है, पहचाना नहीं? आत्मा आ गई है क्या? हा? प्रोफेसर की आत्मा घूमने गई थी ना। हाँ, आत्मा और पार्थिव शरीर अंदर है, आइए। शकुनी पिल्लई, आगे कुछ मत बोलना। तुम्हारा पूरा जीवन मुझे 3D फिल्म की तरह दिखाई दे रहा है। तुम्हारे सारे दुखों को मैं दूर कर दूंगा। अरे 3D, पुराना श्रीकांत अपना ही क्लाइंट है। पुराण शास्त्र दोनों आपस में शामिल हुए हैं इधर। आपकी जिंदगी की शुरुआत हुई सीमेंट सरिया के कारोबार से। आपकी शादी सन 1969 13 फरवरी को हुई है। शकुनी पिल्लई को 1971 14 फरवरी को एक लड़के का सुख प्राप्त हुआ। हुआ ना? हाँ जन हुआ। आपने उस बेटे का नाम विक्रांत ही रखा ना? हाँ बताइए। अरे हाँ, अरे ये कैसे? आपने काकड़ी के धंधे से शुरुआत की, उसके बाद नारियल का धंधा शुरू किया। गरीबों के पेट पर लात मारकर आप पाप का पैसा कमा रहे हैं। वो है ना? दूसरे के सामने बोलने से हिचकिचा रहे हैं क्या? अरे तुम रहने दो ना, जितना काम करना उतना करो। कुछ नहीं, गुस्सा करेगा। अरे मेरी बात सुनो, अंदर चले जाओ। उसके बाद आप पंचायत रोड का कॉन्ट्रैक्ट लिए थे, सरकार और कर्मचारियों को आपने धोखा दिया है। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, बस जीवन बिताने वंचित किया है ना। आप कुछ मत बोलिए, आपने राजनेताओं के साथ हाथ मिला लिया है, छोटा मोटा धंधा करके सरकार को लूटा है। आपकी काफी तरक्की हो रही थी। मैं सही बोल रहा हूँ ना मैं? हाँ, वो इमारत जिसे आपने हाउसिंग बोर्ड के लिए बनवाई थी, जब से वो टूट कर गिर गया तब से आपके ऊपर शनि की दशा है। सीमेंट कम होने की वजह से वो इमारत गिर गई। हाँ हाँ, आप कोर्ट गए थे, मार खाए थे, अब जो दिख रहा है वो पूरा शरीर पानी है ना। हाँ। हाँ। जिसने तुम्हारे 2 नंबर के धंधे में साथ दिया उसी वसी कुटी इंजीनियर के साथ तुम्हारी बीवी भाग गई है ना। मैंने सही कहा ना? बोलिए, आपको बीवी चाहिए या गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्टर बनना है? मुझे बीवी नहीं चाहिए। वेरी गुड।
ये है रामकृष्णा पिल्लई का घर। मैं भी आता हूं। क्या बात है, आज तुम जल्दी में हो? माँ, आप इतने दिनों से जो सोच रही थी वो आज मैं भी सोचा हूं, तो इसीलिए मैं। क्या है मैं जरा सोच कर देखो। मुझे ये काम करने के लिए आप जबरदस्ती हाँ, कर रही थी ना वो बाथरूम में टैंक के बारे में। तुम उसे खरीद कर लेकर आए हो क्या? वो नहीं तो फिर बगीचे में बस्ती बनाने का काम। अरे आप भी ना माँ, एक डॉक्टर की माँ होकर खाली टैंक के बारे में सोचती रहती हो। कभी फ्रिज काम नहीं करता है तो कभी कुकर काम नहीं करता है, ऐसे थोड़ी ना चलेगा माँ। वो क्या है ना, तुम रामकृष्णा की माँ हो, ये सब छोड़ो, क्या बोलती रहती हो। अरे ज्यादा उड़ो मत, क्या बात है बताओ। माँ, आपसे मिलाने के लिए किसी को लाया हूं मैं। कौन कौन है ऐसा पूछने से तुम्हारी बहू है ऐसा बोल सकती हो? आखिर अंत में तुम्हें अच्छा ख्याल आया ना, कहाँ है जरा मुझे मेरी बहू को देखने दो। ऐसे नहीं, अच्छे से साड़ी पहनकर लक्ष्मी देवी के जैसा आ जाओ, बहू को अपनी सासुमा को देखकर इम्प्रेस हो जाने दो, नहीं तो रामकृष्णा के अंदर एक कॉम्प्लेक्स का आदमी है, उसे बाहर आने में मजबूर मत करो। हाँ सारा जहां मेरा, तुझे देखे बिना चैन ना आए। बिगड़ गया। शर्माओ मत, गाना बहुत अच्छा था। उसकी वजह से ही गिर गई होगी। अरे मैं तुम्हारी माँ हूँ। हाँ। अरे सॉरी, ये है रामकृष्ण की माँ। नमस्ते। सब बताया इसने। अब हाँ हाँ। वैसे शालिनी, तुम इतना सुंदर गाना गाओगी मुझे नहीं पता था, बहुत खूबसूरत था। मेरा एक दोस्त है जितेंद्र लाल मदनलाल, दोनों एक ही हैं, बहुत मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर हैं, मैं उनसे मिलवाता हूँ। अगर शालिनी बड़ी गायक बन जाएगी तो जस्ट ट्राई द लक। कुछ भी हो, आज वो सब नहीं चाहिए, मेरी इस बच्चे को मुझे आंख भर के देख लेने दो। नमस्ते सर। हेलो, क्या बात है? आज शाम को 8:30 बजे रिकॉर्डिंग फिक्स रखा है सर। कौन सा थिएटर? मिनर्वा थिएटर। मिनर्वा? ये हाँ। किससे पूछकर फिक्स किया? कोई और थिएटर नहीं मिला सर। तो रिकॉर्डिंग कैंसिल, बिना क्वालिटी के सॉन्ग बनाना ये जीतन लाल का काम नहीं है। अगर इसे छोड़ा तो लेट हो जाएगा। कृष्णा वो कौन है? उसके वक्त के मुताबिक जीतन लाल का वक्त नहीं मिलेगा, रिकॉर्डिंग का टाइम बदल दो। नए लोगों से गाना गवाकर गाना हिट कर सकता हूँ मैं। क्या सर? कुछ मत बोलो। अरे क्या हुआ, लिरिक्स पूरे लिख लिया ना? सर, इसी आदमी ने गाना लिखा है, चोरूपली कृष्णा नायर। नमस्ते सर। अरे कोई सा भी नायर हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस लाइन अच्छी नहीं हुई तो मैं धक्के मार के निकाल दूंगा। आप जरा देखिए तो सर। हाँ देखते हैं, चलो। कब कंपोज करेंगे सर? मैं नहीं करता हूँ। अरे इस तरह के नए लोगों को मूवी में सॉन्ग करके म्यूजिक करने का ये जीतन से नहीं होगा सर। प्लीज, अभी मेरे सर में पूरा म्यूजिक चल रहा है भाई, बाद में हम बात कर लेंगे। प्लीज कम, प्लीज कम। हाँ आइए।
हाँ बैठो, लिरिक्स सुनाओ। बीवी गायब है और जो पति पुलिस स्टेशन गया है तभी सहमत है, यही सिचुएशन है ना? हाँ, उस पर एक लिरिक्स लिखो। बेचारी जिंदगी साली जिंदगी कैसे मेरा दिल बर्दाश्त करेगी, बेचारी जिंदगी साली पाप की जिंदगी मेरा दिल कैसे बर्दाश्त करेगा। क्या बोला? दिल बर्दाश्त नहीं कर रहा है, साधारण वाक्य है। ये क्या है साला, पाप की जिंदगी? दो तीन अच्छे शब्द हो जाते, ऐसा सोचा था लेकिन। लेकिन का क्या मतलब, आखिर क्या मतलब है बताओ। सर आप ही लेके देख लो। इधर दो, देखने दो। अच्छा इस तरफ, अरे नहीं नहीं इस तरफ है। हाँ ओके, ये भी तुमने लिखा ना? हाँ इधर दो। साली जिंदगी बर्दाश्त नहीं कर रहा है, इधर दो बाकी कविता भी दो। दिल बर्दाश्त नहीं कर रहा है, आगे से इस तरह की कविता मत लिखना। इंसान को पागल करने के लिए तेरे जैसे लोग आकर कुछ भी लिख देते हैं यहाँ पे, कितना बेकार है। निकल यहाँ से, निकल। अरे दिल बर्दाश्त नहीं करता, ऐसे आदमी को छोड़ो, किसी और को लेकर आओ, मैं देखता हूँ। चलो अभी प्लीज। हाँ मेरे अंदर पूरा म्यूजिक घूम रहा है अभी। अरे हाँ, क्या कर रहे हो सर, परेशानी है क्या? लोग तुम्हारे बारे में बहुत गंदी गंदी बातें बोलकर जा रहे हैं, बात क्या है? कुछ बात नहीं है। हाँ? अरे लोग इतना गंदा लिरिक्स लिखते हैं कि मेरा बाहर जाने का मन ही नहीं करता है दोस्त। ये क्या है? अरे उदास का सॉन्ग है, दिल बर्दाश्त नहीं हो रहा, बेचारी सारी जिंदगी, ये सब बकवास गाने हैं यार। अरे थोड़ा ज्ञान देकर छोड़ दो, रक्षक बनकर अपनी जिंदगी बना लो, नहीं बड़े आदमी बन गए हो ना। अरे मेरी पुरानी बातों में क्या परेशानी हो, चाबी ऐसा हो गया है क्या? हाँ हिंदी फिल्मों और तमिल फिल्मों की कॉफी मारकर ही तुम बड़े आदमी बने हो। अरे चुप रहो। अच्छा मैंने तुम्हें जो पंजाबी कैसेट दिया था आज उसी से तुम इतने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर बन गए हो, है ना? जिसको ओरिजिनल चाहिए उसको थोड़ा मिला के दे देता हूँ, अभी जीतन लाल ने कॉपी करना छोड़ दिया है, जो गाते हैं और जो लिखते हैं उनको लेकर मुझे कोई तकलीफ नहीं है। अभी तुम्हारी परेशानी क्या है? अगर टैलेंट है तो आगे लाऊंगा मैं। हाँ अच्छा, तुम्हारा घमंड इतना बढ़ गया? अरे बाहर जाकर चार आदमी से पूछ कर देखो, जिसके पास टैलेंट है अगर उसे लेकर आया तो चांस दोगे क्या? टैलेंट है तो दूंगा। टैलेंट तो है, इंसान के शरीर को फाड़ कर चीर कर रखने वाला तू म्यूजिक की दुनिया में कैसे? वैसे पार्टी कौन है? हाँ पार्टी को मैं लेकर आऊंगा, लेकिन तुम पलटना नहीं। अरे तुम लेकर आओ, लेकिन टॉयलेट नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो फिर सर आपके समय को मैं ज्यादा बर्बाद नहीं करूंगा। ओके लेकर आओ, लेकर आओ, जाओ। ये सब कॉपी करने के लिए रखे हो क्या? अरे चोर कहीं गए। कोई तो आ रहा है, लगता है कोई नई पार्टी है। कितने दिनों से मैं तुम्हें ढूंढ रही कौन थी? हो तुम कौवी? कौवा नहीं, चील हूँ मैं। तुम मेरी अनुमति के बिना इस पवित्र स्थल में घुस आई हो, इतनी हिम्मत? अरे कल मेरा शिष्य जगदम्बा माँ के आशीर्वाद से हनुमान बनकर लंका दहन करने आया था। शिष्य कौन है यहाँ? लगता है कोई स्त्री आई हुई है, उसका जल्दी से बहिष्कार करके भेजो यहाँ से। स्त्री तुम्हें तुरंत बाहर जाने के लिए बाबा जी बोल रहे हैं। अबे गधे कहीं के, तुम लोगों का ये काला धंधा मैं नहीं जानती हूँ, ये सोच रहे हो तुम? नींबू टोटके के नाम पर उस बेचारे चाय की दुकान वाले गोविंद को तुम लोगों ने धोखा दिया ना? हम लोगों ने धोखा नहीं दिया, वो आदमी खुद धोखा खाया। तुम लोगों ने उस शकुनी पिल्ले के घर को ढूंढ कर उस आदमी के नौकर को जाल में फंसा कर उस आदमी की डायरी को चुराया है, ये सब मैंने देखा है। डायरी को चुराया नहीं, मंगवाया है। ये बात तुम्हें कैसे पता चली? तुम्हारा मैंने पीछा, तुमने पीछा नहीं किया होगा, तुम्हारा वो तोता बोला होगा। हैं? लगता है उस तोते का सर्वनाश होने का वक्त आ गया है। उस तोते को जहर नहीं पिलाया क्या, ऐसा गुरुजी बोल रहे हैं। सुन, मेरे तोते को जहर नहीं पिलाना है, तुम्हारे बाप को पिलाना है जहर। तुम दोनों को सबक सिखा कर ही जाऊंगी मैं, आज तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं मैं। देखो देखो मेरी माँ, चिल्लाओ मत। अच्छा अच्छा, नाम को उस शकुनी को यहाँ आने दो, उस आदमी को धोखा देकर तुम लोग 1000 रुपए कमाए। वो हमारी जरूरत के लिए, मुझे भी आधा चाहिए। अरे वो तो कब का निकल चुका, वो अपने दिल में ही रख लो, ऐसा बोल रहे हैं। तुम गुरु और चेले को मैं एक साथ सबक सिखाऊंगी। हाँ मैं शकुनी पिल्लई को बोलूंगी और शकुनी पिल्लई पुलिस को बोलूंगी। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। मेरी माँ, मैं देता हूँ। तुम्हें आधा ही चाहिए ना? पैसा देना ही पड़ेगा। अरे थोड़ा तो समय दो। नहीं नहीं, मैं पुलिस में बताऊंगी, पुलिस। आधा पैसा दे दो शिष्य। आधे पैसे देने के लिए तुम्हारा गुरु बोल रहा है। तुम क्या सोचकर इसे आधा पैसा देने के लिए बोल रहे हो? सर्वनाश हो जाएगा, दे दो इसे।
ये तंग करने वाली स्त्री नहीं, है। मैं पैसे नहीं निकालूंगा, पैसे नहीं, मैं नहीं। अरे पैसे देने के लिए बोल रहे हो ना, अरे बोलो इसको पैसे देने देगा ना, मैं बोलता हूँ देगा। ठीक नहीं होगा, देख लो, ला लो, चलो दो दो मुझे दो। हाँ देखो पूरा पैसा मत लेना, जाओ 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 निकल जाओ, लाश कहेंगी। तुम यहाँ बैठकर पत्थर घुमाते रहो, मैं कितनी मेहनत करके वहां से खबर लेकर आता हूँ। तुम्हें अकल नहीं इसलिए ऐसी खबर लेकर आते हो। तुम्हारी गलती की वजह से भद्रकाली इतनी दूर तक आ गई। तुम जेल जाओगे। मैं जेल जाऊंगा तो तुम भी जेल जाओगे। पता है एडापल्ली गांव का खून है। एडापल्ली? एडापल्ली? तुम्हारे सर में छिपकली को घुसाऊंगा, जानते हो? अरे बानी, चक्र बानी, तुम्हारे सर को चक्र से काट दूंगा। तुम जरा बाहर आओ, तुम्हारा भूत वर्तमान भविष्य कुंडली सबको भस्म करके रख दूंगा। निकल जाओ यहाँ से, निकल जा, चल निकल, बता रहा हूँ मैं। बाहर निकल आ, तुझे बताता हूँ। मुझे बोल रहा है बाहर आके दिखाओ, मैं बाहर आऊंगा तभी नहीं। Come in. ये है मशहूर संगीतकार जितन लाल मदनलाल, दोनों एक ही हैं। नमस्ते। आइए बैठिए। ये वही लड़की शालिनी, मेरे संगीत के ज्ञान को लेकर के मैं पहली बार बोल रहा हूँ कि ये लड़की बहुत ही अच्छी गायिका है। वो गाना सुनकर मैं बाद में फैसला ले लेता हूँ। शालिनी, क्लासिकल पढ़ी हो क्या? दो ढाई कार्ड के बिना सांस लिए गा सकती हो क्या? शास्त्रीय संगीत मैंने नहीं सीखा। गाते वक्त आरोहण में स्वर अवरोहण में भी हवा आती है। रुको रुको, तुम्हें ना पहले गवा कर देखो, पसंद आए तो चांस दो, और तुम अपने ज्ञान का भाषण देकर भराओ मत। वो क्या है ना, यस जितन स्पीकिंग, क्या जानू मानू मेरा कुछ नहीं कर सकता, मेरे वक्त के मुताबिक रिकॉर्डिंग में आकर गाएगी तो चलेगा। क्या कृष्णदास, कृष्णदास कंपनी को कैसेट देने के लिए मेरे से नहीं होगा, मेरा गाना भी नहीं मिलेगा। सगरिया हो तो गवा कर देने के लिए बोलो, काफी है, मैं मेरे गानों को एडिट कराना अच्छे से जानता हूँ। हाँ ओके ओके ठीक है। हाँ आज मैं थोड़ा बिजी हूँ, कल आओ। लड़की के गाने को आराम से मुझे सुनना होगा। यहाँ कहीं हमें धोखा देने का रास्ता तो नहीं है ना? अरे नहीं यार, कल ठीक कर देंगे। हिम्मत से जाऊँ क्या? हिम्मत से जाओ। रामा, ये कौन सा केस है? अरे चुप रहो। शरीर में कोई कमी नहीं है, साड़ी में कमी रहेगी तो मैं संभाल लूंगा, मैं कोशिश करूंगा। क्या कहते हैं? देख अभी बोल देता हूँ, आगे से ऐसा मत करना, मैं इससे शादी करने वाला हूँ। तुम इस बात को दिलो दिमाग में बैठा लो। अरे इसे पहले ही बोल देना चाहिए था ना, फिर अभी डरो मत। कल बहन को इसे गायक बनाने की जिम्मेदारी मेरी ऊपर छोड़ दो, ठीक है ना? हेलो, यस हाँ, शालिनी मैडम का घर है। प्राइवेट सेक्रेटरी जी के कुमार स्पीकिंग। क्या बोला? सीट, सबर सीट, दर सीट, अच्छा कॉल सीट है। अरे उसे हिंदी में बोलना चाहिए था ना भाई, कोई चांस ही नहीं है। 3 महीने के लिए फुल बुकिंग है, अरे मैं क्या कर सकता हूँ। और वैसे एक और बात, वहाँ बोलने के बाद यहाँ बताना, ठीक है? सॉरी सॉरी सॉरी, मैक्सिमम सॉरी। क्या कहा? मैं कौन हूँ? तुम्हारा बाप। रखो भाई रखो, मैं कौन पूछ रहा। हेलो रिकॉर्डिंग थिएटर, अच्छा ऐसा अपन वेट नहीं कर सकता है क्या? अरे ऐसा बोलेगा तो कैसे चलेगा भाई। क्या बोला? एक दिन में 10-15 रिकॉर्डिंग चल रही है। अरे हमें आपस में एडजस्ट कर लेने चाहिए। हाँ एक ही शालिनी तो है। हाँ लो हम निकल चुके हैं। ऐसे ना रिकॉर्डिंग थिएटर से 4-5 फोन आ जाता है और लोग बार बार फोन करके तंग कर रहे हैं। हाँ ये लीजिए। हाँ चलो चलते हैं। हाँ चलो चलो चलो, चलिए गाड़ी में बैठिए, गाड़ी में बैठिए। आप लोग गाड़ी में बैठ कर इंतजार कीजिए, मैं लोगों से बात कर जाता हूँ।
रखो भाई रखो। तो फिर कुल मिलाकर देखा जाए तो शालिनी को जो आंख मिला है वो इसके पीछे की वजह वो नालायक ही है ना। अरे तुम जरा धीरे बोलो ना। जेल में होकर उसने इसको पहचाना नहीं, लेकिन बाहर आ गया तो आपस में मिल जाने का और उसको पहचानने का मौका मिल सकता है। अरे बाप रे, ऐसा कुछ हो गया तो हमारी ये ग्लैमर जिंदगी की बाट लग जाएगी अच्छू भाई। अब कुछ करो। इसीलिए कुछ भी हो जाने दो, उसको उसे मिलना नहीं देने का। हमेशा उसके ऊपर कड़ी से कड़ी नजर रखने का। कभी वो लोग आपस में मिल गए तो तुम्हारी चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगा मैं। रखो भाई रखो, मेरी चमड़ी उधेड़ कर रख देगा ये। शालिनी तुम्हारे स्टाइल शेड्यूल में मेरे लिए भी थोड़ा समय निकाल लिया करो। मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा? तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? अरे इतना समय दे रही हो इसका मतलब वो भी हम डॉक्टर लोग सुबह से शाम तक बहुत मेहनत करके एक एक पेशेंट का इलाज करते हैं, और अगर उनसे एक भी पैसा मांग लो तो हमें दोषी ठहराते हैं। वैसे समाज का सेवा है ना, इन पर बात करने से कोई फायदा नहीं। जिसका किस्मत में जो लिखा है उसे वही मिलेगा। मैं बचपन से ही कष्ट झेल रहा हूँ, नहीं तो दुनिया में कितने सारे लोग पड़े हैं, फिर भी मेरे पिताजी ने जो नाम रखा है रामकृष्ण पिल्लई, मेरे नाम को सुनते ही पूछते हैं कंपाउंडर हो क्या? क्या हुआ, मैं बोर तो नहीं कर रहा हूँ? बिल्कुल नहीं, एक हिसाब से मैं तुम्हें बोर ही करने आया हूँ। मुझे बर्दाश्त करने के अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं। मेरी जिंदगी में हमारी जिंदगी का ये पल खुशी के माहौल में बदल जाने दो, मेरी यही चाहत है। इसीलिए यहाँ पर आने के लिए कहा था तुमसे। शालिनी मैं किसी काम के लायक नहीं हूँ, ऐसा तुम्हें भी लगा क्या? ये कैसी बात कर रहे हैं? है क्या, मेरे सवाल का जवाब दो बस। मैं तुम्हें खड़ूस लगाऊं क्या? सच बताओ। नहीं। एक लड़की का पीछा करने वाला लगाऊं क्या? कोई घमंडी इंसान लगाऊं क्या? नहीं। जरूरत पड़ने पर प्यार करने के लायक है ऐसा लगा क्या? हाँ। एक लड़की के साथ जिंदगी जीने की योग्यता है ऐसा लगा है क्या? हाँ। पक्का? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई लव यू। क्या? एक मंगलसूत्र माँ ने खरीद कर रखा है, क्या वो मंगलसूत्र तुम्हारे गले में बांध दूँ? बोलो बंधवाओगी? अगर बोलने में शर्म आ रही है तो इशारा ही कर दो। देखो तुम गलत मत समझना, मेरे दिल में पहले से ही कोई और है। मैं मोहन के आने का इंतजार कर रही हूँ। शालिनी, जब मैं अंधी थी तब वो हर वक्त मेरे साथ रहता था, चाहे सुख हो या दुख वो हमेशा मेरा ख्याल रखता था। उसी की वजह से मेरी आंखों की रोशनी वापस आई, लेकिन आज वो ही मेरे साथ नहीं है। शालिनी ये बात कभी बताया क्यों नहीं तुमने? बताना चाहती थी पर नहीं बता पाई। अब इस बात को छुपा कर रखने का कोई फायदा नहीं। मुझे नाम और शोहरत कुछ नहीं चाहिए, मोहन से एक बार मिल लूं काफी है। घर से जब निकलता हूँ तो माँ हमेशा कहती है राहुकाल देख कर जाओ। मुझे इन सब बातों पर ज्यादा विश्वास नहीं था, आज तक मैंने उसे देखा भी नहीं है। आज ही पहली बार राहुकाल को देख के आया था। अभी राहुकाल में कुछ काम नहीं बनेगा है ना शालिनी? इस रामा की किस्मत में जो भी लिखा है वही मिलेगा। अरे बाप रे, ये कौन है? श्री है क्या? अरे बेटा तुम यहाँ कब आए? हाँ तुम्हें भूख लगी है? देखो बेटा
किस्मत में जो लिखा है वही होगा। तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठाने वाले बहुत लोगों को देखा होगा, लेकिन तुम्हारे बारे में मैं सब कुछ जानती हूँ। चिक्कू अभी बहुत बड़ी गायिका बन गई होगी, है ना कौवा दीदी? इस मंदिर के बाहर बैठकर ना जाने कितने साल गुजार दिया मैंने। तब से लेकर आज तक कितने लोग यहाँ प्रार्थना करने के लिए आते हैं, उनमें से कुछ लोग थोड़े दिन के लिए हमेशा दिखेंगे, नहाकर तिलक लगाकर नारायण का नाम लेंगे, भगवान के पैरों में गिरकर अपने काम को निकलवाएंगे, बाद में नहीं, थोड़े दिन तक वापस फिर मुड़कर देखेंगे भी नहीं, बाद में आएंगे, तब आएंगे जब कोई परेशानी होगी। तरक्की मिलने के बाद इंसान भगवान को भूल जाते हैं, इसमें इंसान इंसान को भूल जाए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बेटा। चिक्कू बहुत अच्छी लड़की है कौवा दीदी, कौवा दीदी आप देख लेना, मुझे देखते ही वो पहचान लेगी और दौड़ कर आएगी, आएगी ना कौवा दीदी? आएगी बेटा, वो बहुत अच्छी लड़की है, एक दिन आएगी। कौवा दीदी, ज्योतिष कौवा दीदी, आप हमेशा यहाँ बैठती हैं? हाँ बैठती हूँ, क्या बात है? कौवा दीदी आप इस मंदिर में आने जाने वाले को जानती हो क्या? हमेशा आने वाले को जानती हूँ। मोहन नाम के आदमी को जानती हो? एक इलायची का व्यापारी है। इलायची का मालिक? बहुत अमीर इंसान है, कार में आता है, नौजवान लड़का है। इधर वो हमेशा आता है, इतना तो मैं नहीं जानती हूँ। वैसे बात क्या है? एक बार अच्छे से सोच कर देखो ना, मुझे और मेरे तोते के नजर को धोखा देकर दो दिन तक यहाँ कोई भी शख्स जा नहीं सकता है, लेकिन एक नौजवान लड़का मोहन नाम का इलायची का व्यापारी है क्या? हाँ। ऐसे आदमी को मैं नहीं जानती हूँ, अगर मैं नहीं जानती तो यहाँ कोई भी नहीं जानता होगा। सर जी, आपके हाथ को देखूं क्या? मैं भविष्य बताती हूँ। नहीं, इन दिनों मेरे बहुत ही बुरे हालात चल रहे हैं, बता नहीं सकता, ज्यादा डिटेल्स जान लिया तो तालाब में कूदकर मुझे अपनी जान देनी पड़ेगी, चलता हूँ। बात है रामा, कुछ खबर मिली क्या? मिली, लेकिन लेकिन शालिनी कुछ दिन तुम्हें और इंतजार करना पड़ेगा। मोहन यही नाम था ना उसका? हाँ ऐसा ही मैं जानती हूँ। इलायची का व्यापारी पक्का जानती हो ना? हाँ, मोहन कभी मुझसे झूठ नहीं बोलता था। क्या बात है रामा, कुछ तो खबर मिली है, ऐसा बोलो। उस आदमी की कुछ खबर तो मिली है, लेकिन वो आदमी जर्मनी टूर में गया है, वो 4-5 महीने के बाद आएगा। रामा तुम सच बोल रहे हो क्या? अरे मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा शालिनी, जब मैंने लोगों से पूछा तो सबने यही जवाब दिया, और जर्मनी का कोई एड्रेस नहीं है, टूर बोला तो कई जगहों पर जाता रहेगा। कुछ भी हो, उसे मिलने के बाद शालिनी तुम शांति से सो तो सकती हो। मोहन से मिलने तक मुझे चैन ही नहीं मिलेगा। शालिनी मुझे पता है, हम जिससे प्यार करते हैं उसे खोने के बाद कैसा दर्द होगा। सॉरी, मैंने अनजाने में कुछ बोल दिया होगा शाम को। वैसे जर्मनी का कुछ कॉन्टेक्ट नंबर मिला तो मैं बताऊंगा। Thank you.
कुछ नहीं। जा बाहर निकल जा, जा। शालिनी। शालिनी कौन सी शालिनी? अरे बाहर निकल जा यहाँ से, बोल रहा हूँ ना बाहर निकल जा यहाँ से। अरे कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, बाहर निकल यहाँ, बाहर निकलो यहाँ से, रुक रुक, जा जा यहाँ से। अरे मुझे शालिनी से मिलना है। यहाँ से जाने के लिए बोल रहा हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? निकल जा यहाँ से, मेरे लिए ठीक नहीं हुआ, पुलिस को खबर कर दूंगा मैं। जा यहाँ से, जा निकल। मुझे मुझे शालिनी से मिलना है। इसे बैठा क्यों रहे हो? गद्दार कहीं का आया मिलने के लिए? तू मुझे जानता नहीं है? शालिनी बैठो। अरे बैठो। जेल में तुम खुश थे क्या? शालिनी कहाँ है? वो बस आ ही रही है। मैं जानता हूँ, शालिनी मुझे नहीं भूल सकती, वो कभी नहीं भूल सकती मुझे। पक्का? सच में? अबे बेवकूफ कहीं के, आज उसकी औकात और तुम्हारी औकात में तुम्हें पता है कितना फर्क है? मैं जानता हूँ। क्या जानते हो? वो आज रानी की जिंदगी जी रही है और तुम? वैसे अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझसे बोलो, मैं देता हूँ। मैं मदद मांगने के लिए नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ एक बार शालिनी से मिलना चाहता हूँ। शालिनी से मिलके मैं चला जाऊंगा, एक बार मिलने दो। रुको, तुम नहीं मिल सकते। फिलहाल के लिए उससे मिलने के लिए बहुत से लोग आए। क्या हुआ भाई? कोई तो तुमसे मिलने के लिए शोर मचा रहा था। यहाँ कोई नहीं है क्या? हाँ, क्या चाहिए? मैं तुम्हारी माँ। आप कौन हो? जाके बुला के ला, जल्दी जा। ओ, अच्छा तुम मुझे पहचानोगे कि नहीं? कौवा दीदी ऐसा सब लोग मुझे बुलाते हैं। कौवा दीदी आइए बैठिए। कौवा दीदी, तुम्हारी खातिरदारी को स्वीकार करने नहीं आई हूँ यहाँ। तुम्हें पैसा मिला ऐसा सुना मैंने, तुम आजकल बहुत बड़ी गायिका बन गई हो वो भी सुना, तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे होंगे ये भी सुना, कि साथ साथ घमंड भी है, तो मुझे तुमसे मिलना ही पड़ेगा, है ना? बिना देखे कौवा दीदी कैसे भरोसा कर सकती थी? दीदी चुप, आगे से नाम मत बुलाना। पहले मंदिर के पास छोटा सा फूल का दुकान चलाती थी, उसी लड़की को मैं अच्छी तरह जानती हूँ, वो मुझे कौवा दीदी बुलाती थी। लेकिन तुम्हारी वजह से आज उस गली में बहुत सारे बेईमान और कुत्ते पल रहे हैं, लेकिन मैं उन पर थूकूंगी। मुझे आप गलत समझ रही हो। सही कहा, मेरा दिमाग फिर गया है। तुम एक बेचारी मासूम हो ऐसा मैं सोचती थी, एक अच्छी दिलवाली हो ऐसा सोचती थी मैं, सोचा था बहुत प्यार करने वाली लड़की होगी, लेकिन सब गलत सोचा। तुम्हारे पास ढेर सारा पैसा है ऐसा सब लोग बोलते थे, पर मैंने भरोसा किया, गलत थी मैं। अब तुम अंधी बन चुकी हो, बहरी हो गई हो, तुम घमंडी हो गई हो, जो तुमसे प्यार करता था उसे ना पहचान पाओ, इतनी बुरी हालत है तुम्हारी, तुम्हारी आंखों में वो क्षमता नहीं रही। कौवा दीदी आप जो बोल रही हो समझ नहीं आया। समझ में नहीं आया? समझ में आया होगा तब भी तुम ना समझने का नाटक करोगी। तुम्हारे लिए जिसने आँख नजरिया शोहरत दिया तुम्हें, उस मासूम लड़के को देखकर तुमने पहचाना नहीं? बोलो, तुझे सामने से देखकर पुकारा भी उसने, तब भी नहीं पहचाना उसे? बोलो। ओ, तुम्हारी औकात के बराबर नहीं है ना वो? अरे वाह, पूरा परिवार है यहाँ पूरे जायदाद को हड़पने के लिए। दीदी पहले मेरी बात तो सुनो। अभी मुझे कुछ भी नहीं सुनने का, सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया ना, काफी है।
दिल शांत हो गया है। चाहे किसी को भी भूल जाओ लेकिन उसे मत भूलना। तुम्हारा वो मोहन मेरे सामने आके रोने लगा, कहाँ चली गई मेरी शालिनी, अब वो एक महल में रहने लगी। लेकिन जो कुछ भी हुआ है उसे कभी मत भूलना बेटी। अबे चुप ना लाए कहीं के। जाने से पहले एक और बात कहनी है तुमसे, अगर दोबारा सड़क पर नहीं आना है तो इन कुत्तों को यहाँ मत पालना। दीदी हेलो, रामा है क्या? अच्छा बेटा, तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो? हाँ क्या हुआ, तुम पी रखे हो? हाँ 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 कौवा दीदी, आज मैंने पिया है। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, एक शालिनी थी जिससे मैं बहुत प्यार करता था, वो भी मुझे छोड़कर चली गई, तो मैं क्या करता। शालिनी के मिलने के बाद मुझे भी ऐसा लगा कि मुझे भी कोई प्यार करने वाला है, लेकिन मेरे से गलती हो गई। वो गायिका बनने के बाद मुझे भूल गई, मुझे उसकी बहुत याद आ रही थी कौवा दीदी, इसीलिए मैंने थोड़ी सी पी ली ताकि दुख ना हो। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं जाता हूँ। कहाँ पर? मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे चीकू को मैंने जिस सड़क में देखा था उस सड़क में मैं अभी नहीं जी सकता। जब भी इस सड़क को देखता हूँ तो उसकी बहुत याद आती है। मैं जाता हूँ कौवा दीदी, मैं उसके बिना नहीं रह सकता, कहीं भी चला जाऊंगा लेकिन दोबारा यहाँ नहीं आऊंगा। नहीं कौवा दीदी, कभी नहीं आऊंगा। क्या हो गया इसे? क्या बात है कौवा दीदी, आप मुझे पहचानते हो क्या? उस दिन मैं मोहन नाम के आदमी को ढूंढने आया था। हाँ याद है मुझे। शालिनी जिसके बारे में बोल रही थी, उस दिन आप बोल रही थी ना, उस आदमी को जानती हो? आप कुछ पूछ रहे थे इलायची के मालिक के बारे में ना? जो अंधी थी उसके साथ श्री कुट्टन ने एक इलायची व्यापारी का नौटंकी कर रहा था, वो धोखा देने के लिए या फायदा उठाने के लिए, लेकिन ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन उस झूठ की वजह ही सारी वजह है। अरे बाप रे, ये सब तो मैं बिल्कुल भी नहीं जानती थी। कोई भी कुछ भी नहीं जानता है, और किसी ने जानबूझ के भी नहीं किया है, लेकिन जो होना था वो पूरा हो चुका ना। सुनो बेटी, मैं तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं ये सब किसके लिए गा रही हूँ, किस लिए गा रही हूँ, मुझे ये सब नहीं चाहिए। अब इस बारे में बात करके क्या फायदा, हम इसीलिए आए हैं मोहन कहाँ है ये जानने के लिए, उसे लेकर जाने के लिए। वो कहाँ पर है मुझे बता दीजिए। मोहन, वो मोहन, मोहन कहीं चला गया लेकिन मैं नहीं जानती कहाँ। उसने कहा था वो वापस नहीं आएगा। होने दो, हम उसे ढूंढ निकल। डोंट बी सिली, कम ऑन। अबे हट। मैंने क्या किया है? आवाज मत कर, मार कर मत तुझे। मारो मुझे, और मारो, आने जाने वाले सब मारते हैं, मैं कोई कॉर्पोरेशन कचरा हूँ क्या? अबे हराए कहीं का बेवकूफ, कहीं का गधा एक नंबर का तू। अब क्या किया? वो कौवा दीदी को अंदर किसने आने दिया? मैंने कहीं जानबूझकर तो बेचारी, वो खुद अंदर आ गई। तो फिर तू किस नाम का सेक्रेटरी बन के घूम रहा है? सेक्रेटरी में क्या परेशानी? परेशानी है, तू सर पे बैठ गया है, उसे मिटाने का वक्त आ गया है अभी। उसके लिए तुम मत डरो, वो जगह छोड़कर निकल गया है, वो कहां गया किसी को नहीं पता। लेकिन उसे ढूंढने की कोशिश करेगी। उसे कहीं चर्च में जाकर बोलो भरोसा करेंगे, जब तक कुमार जिंदा रहेगा वो आपस में नहीं मिलेंगे। मैंने कहा ना हरगिज नहीं मिल सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा मैं नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे अपनी जान भी देनी। कम ऑन शालिनी, ट्राई टू अंडरस्टैंड, तुम अगर गाना नहीं गाओगी रिकॉर्डिंग ना जाने से तुम्हारा वो बहुत तुम्हें नहीं मिलने वाला है।
तुम्हारी इच्छा पूरी होने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अब गाना नहीं चाहती। किसके लिए गाऊं मैं? तुम जिससे प्यार करती हो वो संगीत और मोहन से। मोहन तुम्हें छोड़कर चला गया है ऐसा तुम सोच रही हो क्या? अभी तुम्हें सहारा देने वाला एक हिसाब से तुम जो गा रही हो वो गाना ही हो सकता है। कम से कम कुछ समय में तुम सारी बातों को भूल भी सकती हो। ऐसी तकलीफ मैं आगे गा नहीं सकती, आगे से मैं नहीं गाऊंगी। मैं आज तक किसी भी बात को लेकर तुमसे जबरदस्ती नहीं की है, एक दोस्त होने के कारण। पहली बार और आखिरी बार मैं ये चाहता हूँ, इट्स रिक्वेस्ट, जस्ट रिक्वेस्ट। अगर तुम इसे ठुकराओगे तो तुम्हारी जिंदगी में मेरी कोई अहमियत नहीं। एक हिसाब से उस फैसले से शायद तुम्हें कुछ नुकसान नहीं होने वाला। रामा, शालिनी, शालिनी तुम्हें जाना होगा। चिक्कू